ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर आपको डायरिया या वोमिटिंग उल्टी आ रही है, या फिर आपको काम करते या मुशक्कत करते हैं पसीना ज़्यादा आता है जिसकी वजह से आप में पानी की कमी हो जाती है, ये ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आपकी जो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, उसको ये पूरा कर देता है। इसका बस ये काम है कि डिहाइड्रेशन आपकी जो पानी की कमी है उसको पूरा करना। कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सबसे अहम है। जिनको शुगर है वो ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिजिशियन के मशवरे से इस्तेमाल करेंगे। जिनको ब्लड प्रेशर है वो भी खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिजिशियन के मशवरे से इस्तेमाल करेंगे। जिनको हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी है ORS से या इसके किसी इंग्रेडिएंट से, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जिनको गुर्दों के मसाइल हैं वो भी ORS को इस्तेमाल नहीं कर सकते ख़ुद से। सबसे अहम सवाल ये है कि ORS साशा इस्तेमाल करें या लिक्विड जो बना बनाया आता है वो इस्तेमाल करें। ये सबसे अहम है कि कौन सा इस्तेमाल करें, क्या दोनों ही सेम ही हैं या इनमें कुछ फ़र्क है। ORS साशा, ORS लिक्विड जो होता है, ये दोनों सेम है, कोई इनमें फ़र्क नहीं है। वो बना बनाया है कंपनी ने, खुद बना के आपको दिया है, ये साशे फॉर्म है, आपने खुद बनाना है घर जाके। वो आता है 27-28 रुपए का, वो एक बोतल आती है आपको जो बनी बनाई 140 रुपए की, बाकी कंपनियों की 160 रुपए की है। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम हैं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, वक्त नहीं है, तब आप लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गरीब खानदान से हैं, आपकी घर की रोज़ी रोटी ही मुश्किल से चल रही है, तो साशा लें, घर में जाके बच्चे को पिलाएं या ख़ुद इस्तेमाल करें। ज़्यादा पैसे ज़ाय नहीं करने आपने, वो जो पैसे आप अद्वियात पे ज़ाय करते हैं वो अपने घर वालों बच्चों पे ज़ाय करें, उन पे खर्च करें। तो साशा और पैड जो लिक्विड है वो दोनों सेम हैं, कोई फ़र्क नहीं है उनमें। आपने साशा लेना है, एक साशे को आपने 4 गिलास पानी, हो जो आम गिलास होता है स्टील का हो या शीशे वाला हो, 4 गिलास पानी ले लें, या 1 लीटर अगर खाली बोतल पड़ी है कोई ड्रिंक वाली वो आप ले लें, उसमें एक साशा मिला के अच्छे तरीके से हिला के इसको इस्तेमाल करें। ये जो बोतल है बनी बनाए, ये आप 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 दिनों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो आप खुद बनाएंगे वो आपने 24 घंटे के दौरान 1 दिन के अंदर ही इस्तेमाल करना। जो इन्फेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको आप 2 से 4 जो गिलास हैं या 1 लीटर वो दिन में पिला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप बच्चों को इस्तेमाल करें। अगर उनको डायरिया या वोमिटिंग है, अगर मोशन है और उल्टी आ रही है जिसके नतीजे में उनको डिहाइड्रेशन हो सकती है, तब इसको इस्तेमाल कराना है बच्चों में, खुद से इस्तेमाल नहीं करना। बालिग अफराद 2 से 4 इसकी जो लीटर हैं वो इस्तेमाल या ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों के लिए कोई पाबंदी नहीं है।